दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टार्टअप बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिस पर अभी इंडिया में हाल फिलहाल में बहुत ही कम कंपनीज काम कर रही है, लेकिन दोस्तों इस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है उसकी डिमांड हर घर में है। सो दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसके अंदर कम बजट में आपका बिजनेस शुरू हो जाए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो और साथ ही साथ में मार्केट में उसकी जबरदस्त डिमांड भी हो, तो दोस्तों ये स्टार्टअप बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए। आज का वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो के अंदर मैंने आपको चार स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों से पूछा था कि इन चारों में से किसके ऊपर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। तो मैक्सिमम लोगों ने इसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर कहा था, इसीलिए दोस्तों आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब दोस्तों आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि वो स्टार्टअप बिजनेस आइडिया है क्या, पहले वो तो बताओ। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे आसपास में बहुत सारे घर है और हर घर में कोई ना कोई एक इंसान तो ऐसा होता ही है जो किसी ना किसी हेल्थ कंडीशन से जूझ रहा होता है। जैसे कि किसी को स्ट्रेस है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को वजन कम करना है, किसी को घटाना है, किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, इसी प्रकार की और भी तमाम हेल्थ कंडीशन से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आप ये खुद जानते हो कि हमारे देश में लोगों को चाय पीना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो दोस्तों कैसा हो कि हम चाय के जरिए लोगों की हेल्थ कंडीशन को ठीक कर सके। हाँ दोस्तों, ऐसा किया जा सकता है और ये पॉसिबल है हर्बल टी की मदद से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे हर्ब्स पाए जाते हैं जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, जिनका इस्तेमाल अगर हम चाय की तरह करते हैं तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट के अंदर कुछ कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है, तो आप भी काम कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो आपको सिंपली इसके अंदर करना क्या होगा, हर्बल टी बनाकर लोगों को बेचना होगा और आपको पैसे मिलेंगे। अब दोस्तों अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि आप फाइनल टी बनाकर देंगे जो पीने वाली होती है, तो वैसी चाय बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपको चाय के पैकेट्स बनाकर उनको अपने ब्रांड के नाम से पैक करना है और मार्केट में बेचना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि कौन सी हर्बल टी मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप खरीद कर अपने ब्रांड के नाम से पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस तरीके का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, यह भी बताऊंगा। और दोस्तों साथ ही साथ में मैं आपको एक बोनस भी देने वाला हूं, मतलब जितनी भी हर्बल टी है उसमें से एक टी का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि उसको बनाया कैसे जाता है। और दोस्तों अगर आप बाकी के टी के भी प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे आपको कंप्लीट प्रोसेस मिल जाएगा। लेकिन अगर हर टी के बारे में इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसका प्रोसेस होता है, तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्ट रखने के लिए मैं आपको सिर्फ एक का ही प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने प्रकार की हर्बल टी मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप पैक करके अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेच सकते हो। सबसे पहली टी जिसको आप बनाकर बेच सकते हैं वो है कैमोमाइल टी। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसके अलावा एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम में कारगर साबित होती है। मैं आपको बता दूं कौन सी हेल्थ कंडीशन में ये अच्छे रिजल्ट देती है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, हेयर फॉल हो गया, लोगों को जो स्किन प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये बहुत ज्यादा कारगर साबित होती है। इसके बाद में दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इसी प्रकार की और भी बहुत सारी हेल्थ कंडीशन के अंदर ये काम आती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, महिलाओं को जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसके अंदर उनको बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं, उनको इरिटेशन फील होता है, पेन होता है, तो अगर कोई महिला रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करती है तो उसको इन सारी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो पर्टिकुलर टी है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके की चाय बनाकर बेचने वाले हैं तो आपको अपने पैकेट के ऊपर लिखना पड़ेगा कि प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन ना करें। दूसरी टी है पेपरमेंट टी। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर टी के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, इसके साथ साथ ये पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते होंगे पुदीना जो होता है वो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, या स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, उनके लिए ये टी बहुत ही अच्छी होती है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है महिलाओं का उसके लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों ये अस्थमा में जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनके लिए भी बहुत ही कारगर साबित होती है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस टी को भी पैक करके मार्केट में बेच सकते हैं। तीसरी टी जिसको आप पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं वो है हिबिस्कस टी। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, अगर आप इस टी का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आपको जो फ्लू होने का चांसेस होता है बहुत हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको तो इस टी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और दोस्तों आप खुद जानते होंगे आज के टाइम में हर घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा होता ही है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों को आप इस तरीके की टी पैक करके बेच सकते हैं। चौथी टी है रोज हिप टी। देखिए दोस्तों ये जो टी है ये उन लोगों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी जो अपना वजन कम करना चाहते हैं
और साथ ही साथ में स्किन का ग्लो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पर्टिकुलर टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साथ ही साथ विटामिन सी भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो लोग भी अपना वजन कम करना चाहते हैं उनका फैट कम होता है और साथ ही साथ में स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, जिसकी वजह से जिनका बॉडी पेन होता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, इस तरीके की प्रॉब्लम भी दूर होती है। सो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर टी को भी पैक करके अपने ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचने के लिए भेज सकते हैं। तो मैंने अभी तक आपको चार टी बताई, इसके अलावा दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी हर्बल टी है जिनको आप पैक करके बेच सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लेमन बाम टी, पैशन फ्लावर टी, सेग टी, रूल बूस टी, ग्रीन टी, तो दोस्तों ऐसी और भी बहुत सारी हर्बल टी है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, जितनी ज्यादा टी आपको मिलेगी उनको आप अपने ब्रांड के अंदर शामिल कर सकते हैं और उनको बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है मशीन की, और ये मशीन होगी पैकिंग मशीन। देखिए मार्केट में अलग अलग प्रकार की मशीन मिलती है, जैसे कि आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं, ये आपको मिल जाएगी 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहें तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन भी खरीद सकते हैं, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में। और दोस्तों अगर आप चाहें तो एक और मशीन खरीद सकते हैं, टी बैग्स मेकिंग मशीन। सो ये जो मशीन होती है ये मार्केट में 8.5 लाख रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में आती है। तो आपके पास जितना बजट होगा, जिस लेवल पे आप शुरू करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इन तीनों में से कोई भी मशीन आप खरीद सकते हैं। दूसरा, रॉ मटेरियल। देखिए दोस्तों आप जितने भी प्रकार की हर्बल टी बनाकर बेचना चाहते हैं उसके लिए आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और ये आपको होलसेल मार्केट में बना बनाया मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग रहती है 100 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो के बीच में। सो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपने ब्रांड की जो पैकिंग है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों आपकी पैकिंग जितनी ज्यादा अच्छी होगी लोगों को लगेगा बहुत बड़ा ब्रांड है और वो लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो आपको दो ही चीजें खरीदनी है, सबसे पहले जो चाय पत्ती आप बनाना चाहते हैं वो, और दूसरी पैकिंग मटेरियल। चौथा, एम्प्लॉइज। देखिए दोस्तों इस प्रकार का स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 3 से 4 एम्प्लॉयज तो होने ही चाहिए, ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब ये क्यों पड़ने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक आदमी तो ऐसा होगा जो मशीन ऑपरेट करने का काम करेगा, एक आदमी ऐसा होगा जो एज अ हेल्पर काम करेगा, और साथ ही साथ में आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मेंटेन करने का भी काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको माल को बेचना भी होगा, जिसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे की जरूरत पड़ने वाली है, सेल्स के बंदे की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कम से कम आपके पास 3 से 4 एम्प्लॉयज होने चाहिए, इससे ज्यादा होंगे तो अच्छी बात है लेकिन इतने तो कम से कम आपको चाहिए होंगे। पांचवा, डॉक्यूमेंटेशन। देखिए दोस्तों इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, और कंपनी का रजिस्ट्रेशन आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं, चाहे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब आप अपना माल ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट की सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए। सो दोस्तों कम से कम आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है इस प्रकार का स्टार्टअप शुरू करने के लिए। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि बोलना बहुत आसान है, इस तरीके का बिजनेस कर लो, उस तरीके का बिजनेस कर लो, लेकिन एक बार बिजनेस शुरू कर लिया तो माल कहां पे बेचेंगे। देखिए दोस्तों आज के टाइम में माल बेचना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपना माल बना लिया है तो आप अमेजोन पे बेच सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर भी बेच सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप अमेजोन पे अपने आप को एज अ ब्रांड रजिस्टर करते हैं तो आपको वहां पे स्टार्टिंग में 2000 पॉइंट्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल आप एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कर सकते हैं, और उनका इस्तेमाल करके आपको इनिशियल सेल्स आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप अपना सोशल मीडिया पे पेज बना सकते हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और वहां पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और जो भी ट्रैफिक आता है उसको आप अपनी वेबसाइट पे ले जा सकते हैं और वहां से सेल्स कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वहां पे आपको उनको कुछ सर्टन कमीशन देना होगा, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे बिकता है तो आपको किसी को भी कमीशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा का सारा आपका प्रॉफिट होगा। सो दोस्तों आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लाने वाले हैं, कौन से चैनल्स का इस्तेमाल करने वाले हैं इनिशियली सेल लाने के लिए। चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं कि अगर आप इन टी को खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो उनका प्रोसेस कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको सिर्फ एक टी का प्रोसेस बताने वाला हूं, बाकी का अगर आपको जानना है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, आपको आसानी से पूरा प्रोसेस मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कैमोमाइल टी बनाने के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं कि अगर उसको आप खुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रोसेस कैसा होता है, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले कैमोमाइल के फूलों को खेतों से तोड़कर लाया जाता है, उसके बाद में उन्हें धूप में तब तक सुखाया जाता है जब तक वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाते, और एक बार ड्राई हो जाने के बाद में उनके ऊपर जो ग्रीन पार्ट होता है उसको मशीन की मदद से अलग किया जाता है, जिसके बाद में अलग हुए जो फूल होते हैं उनको हाथ से साफ कर लिया जाता है, और एक बार जब फूल पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं तो उनको बारीक बारीक काटा जाता है, और ये जो बारीक कटे हुए फूल होते हैं इनको या तो फिल्टर बैग में ग्रीन टी की तरह पैक कर दिया जाता है या फिर पल्वराइजर मशीन में डालकर उनका पाउडर बना लिया जाता है, और दोस्तों फिर उनकी पैकिंग कर दी जाती है और इस तरीके से कैमोमाइल टी बनकर तैयार हो जाती है। सो दोस्तों आप समझ गए होंगे कैमोमाइल टी बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल सा है, आप चाहें तो इसको पाउडर के रूप में बनाकर बेच सकते हैं या फिर छोटी छोटी पत्तियों के रूप में भी बनाकर बेच सकते हैं।
हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। अगर कोई भी इस तरीके का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीनरी के अंदर और रॉ मटेरियल के अंदर। मशीनरी का मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। मशीनरी शुरू होती है 70,000 रुपए से लेकर 9 लाख रुपए के बीच में, तो आप कौन सी खरीदना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों मान लीजिए आपने 70,000 वाली खरीदी तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, अगर आपने 9 लाख वाली खरीदी तो आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। सो मैं मान के चलता हूं कि आप ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख वाली मशीन खरीदते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली रॉ मटेरियल के लिए जो चाय की पत्ती होती है, पैकिंग मटेरियल होता है, तो उसका भी कॉस्टिंग में पकड़ लेता हूं 2 से 3 लाख रुपया। इसके बाद में दोस्तों आपकी जो जगह होगी अगर आपकी खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप रेंट पे लेते हैं तो आपको डिपॉजिट पे करना पड़ेगा तो वहां पे भी आपका खर्चा आने वाला है। मैं मान के चलता हूं डिपॉजिट के तौर पे आपको कम से कम 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, तो वो हो गया। इसके बाद में दोस्तों और भी छोटे मोटे खर्चे जुड़े होते हैं। सो दोस्तों आप यूं मान के चलिए कि आपके पास कम से कम एज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट 6 से 7 लाख रुपए होने चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपके पास वर्किंग कैपिटल भी होना चाहिए ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से स्मूथली रन कर सको। तो वर्किंग कैपिटल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपका जितना भी महीने का खर्चा होता है उसका आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने का खर्चा आपके पास रेडी होना चाहिए वर्किंग कैपिटल के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पर मंथ आपका कितना खर्चा आने वाला है। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपकी जो जगह होगी अगर वो रेंट पे है तो उसका आपको रेंट पे करना होगा। सो मैं मान के चलता हूँ कि 400 से 500 स्क्वायर फुट की जो जगह होगी उसका रेंट कम से कम 20,000 रुपए तो होगा ही। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो मशीन है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है तो आपकी अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम होने वाली है तो उसका भी खर्चा आने वाला है। सो मैं मान के चलता हूँ 10 से 15,000 रुपए आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, सो टोटल हो जाता है लगभग 35,000 रुपए के आसपास। इसके बाद में दोस्तों आपके पास 4 से 5 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी ऑन एन एवरेज 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में तो होगी होगी, तो ऑन एन एवरेज हम 15,000 पकड़ लेते हैं। और अगर आपके पास 4 एम्प्लॉइज भी है तो हो जाता है 60,000 रुपया। उसके बाद में दोस्तों यहाँ वहाँ का छोटा मोटा खर्चा और मैं पकड़ लेता हूँ 10,000 रुपया। तो दोस्तों अगर हम टोटल करें तो आपका जो खर्चा होने वाला है वो होने वाला लगभग 1,05,000 रुपए के आसपास एक महीने का। तो आप यूं मान के चलिए कि आपके पास 3 से लेकर 6 महीने का पैसा एडवांस में होना चाहिए, तो मतलब आपके पास कम से कम 3 लाख रुपए से लेकर 6 लाख रुपए एडवांस में होना चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल। सो आप यूं समझ के चल सकते हैं कि अगर इस तरीके का बिजनेस कोई भी शुरू करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 13 से 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए तभी वो बिजनेस को अच्छे से कर पाएगा। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम 13 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इस बिजनेस से कितना पैसा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस में अभी हाल फिलहाल में कॉम्पिटिशन कम है। अगर आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी करते हैं, अपने ब्रांड को बहुत ही अच्छे से मार्केट में प्लेस करते हैं तो दोस्तों आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और कितना कमा सकते हैं ये दिखाने के लिए मुझे लेके चलना होगा आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि होलसेल मार्केट में क्या भाव में बिकती है और साथ ही साथ में रिटेल मार्केट में क्या भाव में बिकती है, तो डिफरेंस आप खुद समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों किसी भी चीज का अगर आपको होलसेल प्राइस जानना है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्बल टी जो है वो मार्केट के अंदर आपको होलसेल प्राइस में 100 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो के बीच में मिल जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हम आपको अलग अलग टी के प्राइस दिखा रहे हैं। अब दोस्तों अगर आपको रिटेल प्राइस में देखना है तो आपको जाना होता है अमेजोन की वेबसाइट पे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं अमेजोन की वेबसाइट पे आपको ये जो हर्बल टी है ये 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच में मिलने वाली है। सो दोस्तों आप खुद सोचिए जो टी अगर आपको मैक्सिमम 500 में भी मिलती है और उसको अगर आप 2000 में बेचते हैं तो आपको लगभग 1500 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो मैक्सिमम हो गया, हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई टी आपने 250 रुपए किलो खरीदी और उसको अच्छे से पैक करके आप मार्केट में बेच रहे हैं लगभग 1250 रुपए किलो के आसपास, सो आपको पर केजी के ऊपर 1000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए अगर आप दिन के अंदर 10 किलो चाय भी बेच देते हैं तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 10,000 रुपए का और महीने का आपका प्रॉफिट हो जाएगा 3 लाख रुपए का। और जैसे कि मैंने आपको खर्चा बताया था वो खर्चा था मैक्सिमम 1,05,000 रुपया। सो दोस्तों 3 लाख रुपए में से 1,05,000 रुपए निकाल दीजिए तो फिर भी आपके पास 1,95,000 रुपए बच जाते हैं। अब दोस्तों ये जो 1,95,000 रुपए आपको मिले हैं ये आपका नेट प्रॉफिट नहीं है, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसके अंदर से आपको और भी खर्चे निकालने पड़ेंगे, जैसे कि देखिए आपका पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट लगने वाला है, इसके बाद में आपने जो मार्केटिंग की उसका भी आपका कॉस्ट आया होगा तो वो भी आपको इसी से निकालना होगा। सो आप यूं मान के चलिए कि जो 1,95,000 रुपए आपके पास बचा है सारा खर्चा निकाल के भी कम से कम आपको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट तो होने वाला ही है। ये दोस्तों मैं बहुत ही छोटे स्तर पर बता रहा हूं, अगर आप इस बिजनेस को बड़े लेवल पे करते हैं, ज्यादा लोगों को बेच पाते हैं तो आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा बिजनेस करना तो इस बिजनेस को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अगर आप इस तरीके का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप कितने पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।